देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। इन दिनों स्कूलों में वार्षिक उत्सव के दौर चल रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर की स्कीम नंबर 114 पार्ट 1 स्थित ग्लोबल इनोवेटिव स्कूल का द्वितीय वार्षिक उत्सव रामायण की थीम पर संपन्न हुआ। रविवार शाम को साउथ तुकुगंज स्थित जाल सभागृह में आयोजित वार्षिक उत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। स्कूल के डायरेक्टर राहुल सिंह गौतम ने बताया कि वार्षिक उत्सव में प्रस्तुतियों के लिए विद्यार्थियों द्वारा पिछले एक माह से सतत तैयारियां की जा रही थी। आज विद्यार्थियों द्वारा एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी गई। अपने नौनिहालों की प्रस्तुतियां देखकर अभिभावक भी अभिभूत नजर आए। डायरेक्टर श्री गौतम ने कहा कि हम शिक्षा को व्यवसाय के रूप में ना देखते हुए सेवा के रूप में देखते हैं। न्यूनतम फीस में बच्चों को श्रेष्ठतम शिक्षा प्राप्त हो, यही हमारा ध्येय है। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इनोवेटिव स्कूल प्ले ग्रुप से केजी सेकंड तक संचालित होता है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली के साथ विद्यालय नित निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आपके स्कूल का वार्षिक उत्सव है, मनाया जा रहा है। हाँ। आपके स्कूल का क्या नाम है, कहाँ पर स्थित है? ग्लोबल इनोवेटिव स्कूल है, ये हमारा स्कीम नंबर 114 पार्ट 1 में है और ये हमारा सेकंड ईयर है। आज कौन सी थीम पर यहाँ पर? यहाँ जैसे कि अब आप सब जानते ही हैं कि यहाँ पर अभी भगवान राम का मंदिर की स्थापना हो रही है, तो हमने भी वही थीम रखी है। इसमें रामायण की हमने थीम रखी है और रामायण की थीम पे ही हमने पूरा वार्षिक उत्सव का संचालन कर रहे हैं। स्कूल को लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं, लगातार प्रसिद्धि और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ये क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों का, किस तरह विश्वास स्कूल के प्रति? देखिए, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा को हम एक व्यवसाय के रूप में न लेते हुए हम शिक्षा को एक सेवा के रूप में देखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम न्यूनतम फीस में बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, उनका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पे भी और इसके अलावा हम उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे भी और अपार्ट फ्रॉम दीज हम उनके स्पिरिचुअल एजुकेशन पे भी वर्क करते हैं। तो यही कारण है कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और देख रहे हैं आप कि हम यहाँ पर सेकंड ईयर में भी छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूरी तैयारी? इसके लिए हमारे पूरे स्टाफ को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, हमारे कोरियोग्राफर को और हमारे सभी मेंबर्स को, कि जिन्होंने लगातार एक महीने से ये प्रयास कर रहे हैं जिसका परिणाम आप आज यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक नई चीज़ हमको देखने को मिल रही है कि स्कूल में जो भी अभिभावक आ रहे हैं उनको तिलक लगाकर भारतीय परंपरा के अनुसार उनका स्वागत। देखिए, ये सनातन धर्म जो है अपना, ये सबसे प्राचीन धर्म है। कुछ बीच में आपको जैसे पता होगा कुछ आक्रांतों के कारण हम हमारी सभ्यताओं से हमारी जड़ों से हम विमुख हो गए थे, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि हम वापस अपने सनातन धर्म की ओर लौटे, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। इस वार्षिक उत्सव के माध्यम से अभिभावकों के लिए क्या संदेश है आपका? हमारा संदेश तो बस यही है कि आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें, उनको आप अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, आप उनको नैतिक मूल्य प्रदान करें और आप जो चाहते हैं कि हमारे बच्चा वो काम ना करे तो आप भी, आप मेरा भी आपसे ये अनुरोध है कि आप भी वो काम ना करें कि जिसको आपका बच्चा आपको देख के फॉलो करे। तो अगर आप उनको कुछ मूल्य देना चाहते हैं तो वो मूल्य आपको आपके कार्यों से देना होगा, वो सिर्फ शब्दों से नहीं होगा। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु धारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़।